यूवीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं निवेदिता शर्मा, अंकपाली एनजीओ की ये संस्थापक हैं और इनसे हमने आज जो है यहाँ पर बात करनी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर हमें क्या बोल सकते हो, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात। तो हम अगर आज के दिन उनको याद करें और एक उनके द्वारा अच्छा एक काम करें कि जो ऐसे लोगों को भोजन दे जो भोजन से वंचित रहते हैं हॉस्पिटल में आके, मैं देखती हूँ उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि इनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं होती। तो ऐसे में इतना बड़ा आयोजन करना, दीपक जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनके पीछे कुछ समय से उनके साथ जुड़ी हूँ, तो रियली मतलब मैं इस बारे में क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा काम है। अमित जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कितना बड़ा योगदान भारत में है, भारत में कानून बनाने में है, और किस तरह से उन लोग बाबा साहब को लोग प्यार करते हैं? कि बाबा साहब को तो लोग जन जन में प्यार करते हैं, उनका जो योगदान रहा है भारत को आगे बढ़ाने में, संविधान हमारा जो बना है उन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान है, तो उन्होंने तो इतना बड़ा योगदान दिया है देश को। और एक फक्कड़ बाबा जिसको कहेंगे, फक्कड़ बाबा रह के उन्होंने इतने बड़ा काम करके गए हैं, और आज के दिन अगर हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हम उनको एक सच समझ लीजिए, एक सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चले और गरीबों की और ऐसे लोगों की सेवा करें जिनको ज़रूरत है। अच्छा निवेदिता जी, एक बात मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि दीपक तंवर जी जो है मंगलवार को जो है भोजन वितरण गरीबों के लिए करते हैं, लेकिन आज जो है उन्होंने यहाँ पर मरीज और उनके परिजन तीमारदारों के लिए एक विशाल भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा है, तो किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कितना काम गरीबों के लिए कर रहे हैं? दीपक जी को मैं पिछले कुछ टाइम से जानती हूँ और जब से मैं उनको जानना शुरू हुई मैं यही देख रही हूँ कि उन्होंने दिन रात वो एक ही काम में लगे हुए हैं, वो है गरीबों की सेवा। चाहे वो भोजन वितरण का काम हो, चाहे कोई वैसे जन जागरण का काम हो, कोई भी काम हो उनका, दिन रात मैं उनको कभी भी फ़ोन करती हूँ, वो रात को भी किसी ना किसी समाज सेवा में लगे होते हैं, दिन में फ़ोन करती हूँ तभी भी वो किसी समाज सेवा में जुड़े होते हैं, तो रियली वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको मैं बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आज के समय में जब लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालते और वो दूसरों के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। वो दीपक जी दूसरों के लिए समय निकालते हैं, वो खुद तो जलते हैं लेकिन दूसरों को जो है उजाला देते हैं, रोशनी देते हैं, दीपक की यही कहानी है। और आज टीम दीपक के द्वारा, दीपक जी के द्वारा यहाँ पर भोजन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, सफदरजंग हॉस्पिटल, यूवीवी न्यूज़।